रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रिटेल शॉप का स्कोप बहुत ज्यादा है। रिटेल शॉप चलाने के लिए लंबी चौड़ी रकम की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी क्षमता के हिसाब से इस बिजनेस को गांव, कस्बे, शहर की गलियों से लेकर कॉलोनीज और शॉपिंग मॉल्स में भी शुरू कर सकते हैं। भारत में रिटेल शॉप की बहुत ज्यादा डिमांड है। आजकल लोग ये चाहते हैं कि डेली नीड्स की तमाम चीजें एक ही छत के नीचे मिल जाए, उन्हें उसके लिए भागदौड़ ना करनी पड़े। इसको देखते हुए आजकल मॉडर्न रिटेल शॉप या मिनी मार्ट प्रचलन में आ रहे हैं। कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए लोग इस बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसका लाभ लोगों को ये मिल रहा है कि उन्हें बहुत आसानी से मार्केट में या अपने घरों पर डेली नीड्स का सामान मिल जाता है। फाउंडेशन तगड़ी रखनी होगी। किसी भी तरह की रिटेल शॉप खोलने से पहले 100 बार सोचें। ये बिजनेस उतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। इसके लिए सबसे पहले आपको रिटेल शॉप की मोटी मोटी जानकारी हासिल करनी होगी। ये जानकारी आप किसी मॉडर्न रिटेल शॉप जाकर वहाँ के फर्नीचर और डेकोरेट किए गए सामान, स्टोर की साफ सफाई और वहाँ खड़े डीप फ्रीज और ग्लास डोर वाले फ्रीज, वहाँ लगे AC, काउंटर, रैक्स, बिल्डिंग सिस्टम, वर्कर आदि को देखकर हासिल कर सकते हैं। इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ये बिजनेस आपके बजट में आता है या नहीं। यदि आपके बजट में आता है और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पक्का इरादा बना लिया है तो फिर आप अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं। बिजनेस प्लान बनाना जरूरी। बिजनेस शुरू करने या बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले आप इस बिजनेस का खाका या रोड मैप जरूर बना लें। इसे बिजनेस की भाषा में बिजनेस प्लान कहते हैं। आपको ये कहाँ दुकान खोलनी है, उसका किराया कितना है, दुकान को डेकोरेट करने में कितना पैसा खर्च होगा, मूवेबल रैक, शानदार काउंटर, फर्नीचर, होलसेलर से माल खरीदना, डीप फ्रीज, ग्लास डोर, वॉल फ्रिज, AC, इन सब को कैलकुलेट करें। इसके अलावा अपनी मिनी मार्ट के लिए जरूरी लीगल प्रोसेस, वर्कर्स आदि सभी की डिटेल अपने बिजनेस प्लान में शामिल करें। साथ ही शुरुआती प्रॉफिट भी इस बिजनेस प्लान में शामिल करें। अच्छी लोकेशन पर अपनी शॉप तलाशें। बिजनेस प्लान बनाने के साथ ही आप अपने मनपसंद बिजनेस के लिए एक दुकान या शॉप की खोज करें। वैसे एक्सपर्ट की राय ये है कि इस तरह के बिजनेस मेन मार्केट में चलते हैं, जहां पर कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, वहां आपको कस्टमर्स के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इन एरियाज में दुकानें काफ़ी महंगी होती हैं। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक, वरना इसके लिए एक दूसरा विकल्प ये है कि किसी बड़ी कॉलोनी में इस तरह की दुकान या मिनी मार्ट खोल सकें। शॉप सेलेक्ट करने के बाद आपको लैंडलॉर्ड से एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, जिसमें किराया आदि सब कुछ लिखा होता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपकी दुकान या फर्म का एड्रेस प्रूफ के रूप में काम करता है। अपनी शॉप को किस तरह से डेकोरेशन कराएं। शॉप के सिलेक्शन के बाद आप उस दुकान को दीवार में फिक्स कराने वाले रैक्स की जगह मूवेबल रैक्स यूज करें, ताकि आपको भविष्य में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या अन्य किसी कारण से शॉप खाली कराने पड़े तो किसी तरह की परेशानी ना हो। एक मेन काउंटर भी बनवाएं जहां आप खुद बैठ सकें या मैनेजर को बैठा सकें, साथ ही वहां पर बिल्डिंग का काम भी हो सके। इसके साथ ही अपनी शॉप को चलाने के लिए डीप फ्रीज, ग्लास डोर, रेफ्रिजरेटर, AC, CCTV कैमरा आदि की व्यवस्था कर लें। कौन कौन से लाइसेंस लेने होते हैं जरूरी। सबसे पहले आप अपनी रिटेल शॉप के नाम को रजिस्टर करा लें। इसके साथ ही आप FSSI से लाइसेंस ले लें। उसके साथ ही आप GST नंबर ले लें। हालांकि शुरू शुरू में GST नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बिना किसी झंझट के ऑनलाइन मिलने वाले GST नंबर को लें तो आप पूरी तरह निश्चित होकर अपना काम कर सकेंगे। इसके अलावा आपको लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट से भी लाइसेंस लेना होगा। लीगल प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको मेन 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक ID प्रूफ जो आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड हो सकता है, आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन और दुकान का एड्रेस प्रूफ ज़रूरी है। यदि आपकी अपनी शॉप है उससे जुड़े मालिकाना हक के दस्तावेज और यदि किराए पर हैं तो रेंट एग्रीमेंट के साथ लैंडलॉर्ड का बिजली का बिल आदि लगेगा। इसके बाद आपको अपनी शॉप के लिए सामान खरीदने की प्रोसेस शुरू करनी चाहिए। चाहे तो आप विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों की होलसेलर या डीलर, जो भी आपको सही लगे, उससे संपर्क करके अपना सामान खरीद सकते हैं। आज के जमाने में मल्टी प्रोडक्ट वाली अनेक कंपनीज हैं जो एक साथ साथ कई डेली नीड्स के प्रोडक्ट आपको सप्लाई कर सकती हैं। सामान की लिस्ट बनाएं, कम होने वाले सामान को रोज लिखें। अपनी शॉप में आप अपने हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति की रोजाना जरूरत वाला प्रत्येक सामान स्टोर करें। इसके लिए आपको सबसे पहले सामान की एक लिस्ट बनानी होगी। इससे आपको आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट सामान आपकी नज़र से चूक गया है। इसके बाद आप अपनी शॉप को शुरू कर देते हैं और कस्टमर की डिमांड के बाद पता चलता है कि ये सामान शॉप में नहीं है, उसको तुरंत नोट करें और जितनी जल्दी हो सके मंगा कर रख लें। इस तरह से करें शॉप की ओपनिंग। अब आप अपनी शॉप की शुरुआत कैसे करें कि आपको पहले ही दिन अच्छे से अच्छे कस्टमर आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, साथ ही आपको प्रॉफिट हो सके। इसके लिए आपको सबसे पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि दुकान की ओपनिंग किसी त्यौहार, सीजन आदि से कुछ दिन पहले कराई जाए। शॉप की ओपनिंग से पहले आपको अपने टारगेट मार्केट
यानी आपकी रेंज में आने वाले कस्टमर्स के बीच प्रचार करने के लिए पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कराएं या उनके घरों में डलवाएं। इन पैम्फलेट्स में ओपनिंग के समय कुछ दिनों के लिए स्पेशल ऑफर की भी पेशकश करें, साथ ही दुकान को स्पेशली डेकोरेट कराएं ताकि दूर से ही कस्टमर्स की नज़र आपकी शॉप पर पड़े और उसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग आएं। इसका बहुत लाभ मिलेगा, कम से कम बजट में भी खोली जा सकती है शॉप। अब बात आती है कि क्या ये रिटेल शॉप का काम केवल पैसे वाले ही लंबी चौड़ी रकम खर्च करके शुरू कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये काम हर तरह के व्यक्ति कर सकते हैं। इस रिटेल शॉप को केवल मिनी मार्ट के रूप में नहीं खोला जा सकता, बल्कि इसे गांव, देहात, कस्बों, शहरों की गलियों में भी छोटे लेवल पर खोला जा सकता है, जहां पर आपको मिनी मार्ट की तरह तामझाम की जरूरत ना पड़े। आप अपने बजट के अनुसार ही दुकान तलाशें और थोड़ी सी पूंजी लगाकर काम शुरू कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि रिटेल शॉप खोलने में कम से कम कितनी लागत आती है। यदि गांव, देहात, शहरों की गलियों में खुलने वाले छोटी रिटेल शॉप की बात करें तो ये बिजनेस 50,000 से लेकर 1,00,000 तक शुरू किया जा सकता है। लेकिन यदि आप मिनी मार्ट की बात करें तो कम से कम 4,00,000 रुपए से ये काम शुरू किया जा सकता है। इसके ऊपर की कोई सीमा नहीं है, आप अपनी क्षमता के अनुसार चाहे जितना लगाएं शॉप खोल सकते हैं। अब बात शुरू करते हैं कि आपको इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। इस बिजनेस में मुनाफा आपके मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। आप किस तरह से खर्च करते हैं या पैसा बचाते हैं। एक्सपर्ट्स की राय माने तो इस बिजनेस में 10-15% तक की बचत होती है, यानी आपको इतना मुनाफा मिल सकता है। मुनाफा कम हो तो साइड बिजनेस पर ध्यान दें। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में होम डिलीवरी शुरू करने की प्लानिंग करनी होगी। उसमें भी आपको एक शर्त रखनी होगी कि कम से कम 1,000 से 1,500 रुपए का सामान खरीदने पर फ्री होम डिलीवरी होगी। इसके बाद आपको डिलीवरी को भी चार्ज देना होगा। इस तरह से आपको शॉप पर बैठे ही कस्टमर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी होगी और उस वेबसाइट का अपने क्षेत्र में प्रचार करना होगा। कैसे वर्कर शॉप में रखें। यदि आप छोटी रिटेल शॉप खोल रहे हैं तो आपको कम से कम एक हेल्पर की आवश्यकता होती है। जब भी सामान खरीदने या किसी अन्य काम से इधर उधर जाना पड़े तो वो हेल्पर उस समय आपकी शॉप को संभाल सके। यदि मिनी मार्ट खोल रहे हैं तो आपको कम से कम 2 हेल्पर चाहिए जो शॉप में आने वाले ग्राहकों को डील कर सके, बिलिंग कर सके। इसके लिए आपको ऐसे हेल्पर रखने चाहिए जो देखने में नॉर्मली स्मार्ट हो, बातचीत करने में एक्सपर्ट हो, इसके अलावा थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हों, कंप्यूटर की जानकारी रखते हों, बाइक चलाना आती हो। बेहतर तो यही होगा कि वो लोकल रहने वाले हों, जिससे वो आपके आसपास के एरिया के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखें। ऐसे हेल्पर से आप शॉप में तो काम करा ही सकते हैं, साथ ही आप उनसे होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।